नमस्ते, वेलकम टू इंडियन लजीज फूड एंड आर्ट। मैं सीता भारद्वाज आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ पट्टी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी, जिसे मूंगफली की चिक्की या गुड़ की चिक्की भी कहते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई के अंदर मूंगफली ली है, जिसे मैंने अच्छी तरह से भूनने के लिए रख दिया है। मूंगफली को लो मीडियम फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक भूनना है और फिर इसे मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। मूंगफली बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाती है, तो इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है। अब मूंगफली जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर इसका हमें छिलका हटाना है। तो इसे हाथों में लेकर इस तरह से अच्छी तरह से इस तरह से क्रश करना है, जिससे इसका जो छिलका है वो अपने आप ही हटने लगेगा। तो इस तरह से सारी मूंगफली का हमें छिलका हटा देना है, इस तरह से इसे बनाना है। तो ये मैंने सारी मूंगफली का छिलका हटा दिया है। अब हमें इसे करना है क्रश। तो क्रश करने के लिए, जिससे इस मूंगफली के जो एक मूंगफली के दो टुकड़े हो जाएं, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक कटोरी लेंगे और उसके जो पीछे का हिस्सा है, पीछे की साइड से इस तरह से इसे क्रश करेंगे। अगर आप इस तरह से मूंगफलियों को क्रश नहीं करना चाहते, तो इससे भी आसान तरीका है कि आप एक पॉलीथीन के अंदर मूंगफली को डालें और उसे कर दें बंद, यानी उसमें लगा दें गांठ, और फिर उसे बेलन से 5 से 6 बार अच्छी तरह से बेलें, जैसे रोटी बेलते हैं। तो आप देखेंगे कि मूंगफली के ना दो टुकड़े बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं गुड़ पट्टी। तो क्या करेंगे कि एक कढ़ाई के अंदर बस मैंने 1 चम्मच घी डाला है। घी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी गुड़। तो जितनी क्वांटिटी हम गुड़ की लेंगे, उतनी ही क्वांटिटी हमें मूंगफली की लेनी होती है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को थोड़ा सा क्रश कर लिया है, जिससे ये बहुत ही आसानी से मेल्ट हो जाएगी। अगर आप सिंपल गुड़ डाल देंगे बिना क्रश किए हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा मेल्ट होने में और जलने भी लगेगा, बर्तन के लगने लगेगा। तो इसलिए इसे हमेशा क्रश करके डालें। अब गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। तो नॉर्मली जो हम घर में चम्मच यूज़ करते हैं, उस चम्मच से बस मैंने 2 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना। पानी डालने के बाद इसे अब हम अच्छी तरह से चलाते रहेंगे लगातार, ताकि जो गुड़ है वो बिल्कुल भी बर्तन के ना लगे। और आप देखेंगे गुड़ अच्छी तरह से भी मेल्ट हो गया है और इसमें अब उबाल आने भी लगा है। तो इसी तरह से इसे हमें मेल्ट करना है। तो जब तक गुड़ में उबाल आ रहा है, मैंने गैस की फ्लेम लो मीडियम कर दी है और मैं एक बोर्ड पे घी लगा लूँगी अच्छी तरह से। आप चाहें तो किसी थाली में भी अच्छी तरह से घी लगा लें, ताकि जो हम गुड़ उसके अंदर डालेंगे तो वो बर्तन के ना लगे बिल्कुल भी। तो इसी तरह से गुड़ में उबाल आने तक अच्छी तरह से इसे पकाना है। तो इसे हमें बीच बीच में 2 से 3 बार इस तरह से, जब गुड़ में उबाल आने लगे अच्छी तरह से, तो चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने थोड़े से पानी के अंदर थोड़ा सा गुड़ की जो चाशनी है वो डाली है। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट है, छूने से ही पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल अभी सॉफ्ट है। तो अभी हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इसे हम लो मीडियम पे ही पकाएंगे, नहीं तो गुड़ बर्तन के लगने लगेगा और ये कड़वा हो जाएगा, जिससे गुड़ पट्टी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए मैं इसे एक बार और चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए, अब गुड़ की बहुत ही अलग सी चाशनी जो हमने इसके अंदर डाली थी, इसकी तार सी बनने लगी है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसी तरह से हमें इसे बनाना है गुड़ पट्टी बनाने के लिए। तो ये चाशनी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो अब मैं गैस की फ्लेम कर दूंगी ऑफ। चाशनी में हमेशा गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद ही मूँगफली डालनी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी मूँगफली जो हमने क्रश करके रखी है, और मूंगफली डालने के बाद इसे अच्छी तरह से करना है मिक्स। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना होता है, क्योंकि गैस बंद करने के बाद गुड़ बहुत ही जल्दी सेट होने लगता है। तो इसलिए हमें अच्छी तरह से जल्दी से मूंगफली को गुड़ में करना है मिक्स। अब मैं इसे डाल दूंगी उस बोर्ड के ऊपर, जिस पर मैंने घी लगा के रखा है, और इसे जल्दी से हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा केयरफुली आपको ये करना है, क्योंकि जो बर्तन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और ये गुड़ मेल्ट किया हुआ बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो थोड़ा केयरफुली आपको जल्दी जल्दी ये प्रोसेस करना है। अब इसी के ऊपर मैं डाल दूंगी तिल। तिल ऑप्शनल है, आप तिल की जगह ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। जब तक गुड़ की चाशनी ये गर्म होती है, यानी ये जो गुड़ पट्टी बना रहे हैं हम, ये गर्म होता है, तभी आप इसे अच्छी तरह से जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं बस नाइफ से इसे साइड साइड से बराबर शेप कर लूँगी इसका, ताकि जब मैं इसके स्क्वायर शेप काटूं तो ये बहुत ही ईजिली कट जाए। तो इस तरह से इसे बराबर करना है, और फिर मैं इसके ऊपर लगाऊंगी एक पॉलीथीन, और इसके ऊपर मैं बेलन से इसे थोड़ा पतला कर लूंगी, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा मोटा है, तो इतना मोटा मुझे नहीं रखना। तो मैं इसे थोड़ा पतला बेल लूँगी। आप सिंपल बेलन से भी इसे कर सकते हैं, बेलन को अच्छी तरह से
ऑयल से या घी से ग्रीस कर लें और फिर इसे अच्छी तरह से बेल लें और इसे फिर मैं अब कर लूँगी कट। तो कट करने के लिए मैं इसे पहले यहाँ पर शेप दे दूँगी। अभी ये सेट नहीं हुआ है अच्छी तरह से, तो बस इसे हमें इस तरह से चाकू से शेप दे देनी है ताकि जब ये ड्राई हो तो उसी शेप में निकले जिस शेप में हमने इसे काटा है। तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे।